हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ईस्ट विनोद नगर। ये आपका दिल्ली में है तो आज यहाँ पर आएंगे हम, पूरा देखेंगे। यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रखा भाई, सिंथेटिक बहुत प्यारा बना रखा भाई। यहाँ पर बहुत तरह के गेम होते हैं, आपके जोनल्स हो गए, नेशनल्स हो गए, स्टेट्स हो गए, और यहाँ पर सारे एथलीट तैयारी करते हैं। बहुत तरह के गेम होते हैं यहाँ पर, एथलेटिक्स हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल्स हो गए। तो मैं आपको इस ब्लॉग में पूरा बताऊंगा, पूरा दिखाऊंगा कि कौन कौन से गेम हैं, कैसे कैसे हो रहे हैं, कौन कौन से लेटेस्ट तैयारी कर रहे हैं, और पूरा खचाखच भरा होता है भाई यहाँ पर सुबह शाम, क्योंकि अपने देश के लिए बंदे तैयारी करते हैं स्पोर्ट्स में कि मेडल लाएँ, अच्छे से अच्छे मेडल लेके आएँ और अपना देश का नाम रोशन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग अपना। ये आप देख रहे हैं सामने फुटबॉल ग्राउंड है भाई, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, फिलहाल प्रैक्टिस चल रही है इनकी, और सामने हमारा देश का झंडा बहुत प्यारा लग रहा है भाई। और यहाँ पर गोल होने ही वाला है, हो गया गोल भाई, बहुत तगड़ा गोल हुआ यहाँ पर, मज़ा आ गया भाई। आते हैं यहाँ पर, कुछ एथलीट्स तैयारी कर रहे हैं अपने, वार्म अप कर रहे हैं कुछ। और ये आपका है कुश्ती के लिए, मे भी हाँ कुश्ती के लिए ही है आपका, ये बहुत प्यारा भाई। तो अब हम आने वाले हैं बास्केटबॉल ग्राउंड में, दिखाऊंगा बास्केटबॉल ग्राउंड में भी कुछ बच्चे खेल रहे हैं। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 6 बज रहे हैं भाई, देखिए ये है आपका पूरा बास्केटबॉल ग्राउंड भाई, बच्चे खेलते हैं यहाँ पर, बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है भाई यहाँ पर। ओ हो गया, ओ माय गॉड, ओ बॉल अटक गई मेरे पर भाई साहब। सुबह शाम ट्रेनिंग होती है, शाम को भी ट्रेनिंग होती है यहाँ पर। मॉर्निंग आपको 6 से 8 बजे तक खुलता है ये, और शाम को 5 से 8 बजे तक खुलता है भाई ये। ओ हो गया भाई, भाई बच्चे बच्चे होनहार हो रहे हैं यहाँ पर, हमारा देश का भविष्य है ये सारे। तो भाई लोगों, अब हम आ गए हैं लॉन्ग जंप पिट पे। यहाँ पर भाई मैं भी लॉन्ग जंप भी करता रहा, लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप, पर मेरे इंजरी हो गए तो भाई मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैं यहाँ लग गया भाई यूट्यूब में, ठीक है। तो भाई मैं दिखाता लॉन्ग जंप कैसे होती है, कैसे नहीं होती, और भाई बंदे अभी कोई कर नहीं रहा फिलहाल। तो भाई ये होती है लॉन्ग जंप पिट भाई साहब, बहुत होती है, 10 मीटर तक होती है, पूरी 10 मीटर तक होती है। उसके बाद आपका होता है ये टेक ऑफ बोर्ड होता है, यहाँ से आप लेते हैं जंप, ठीक है। उसके बाद एक क्या होता है, ये होती है आपकी ट्रिपल जंप के लिए, ये दो बोर्ड दिख रहे हैं, ये 11 मीटर का बोर्ड होता है पहला वाला, और दूसरा 13 मीटर का बोर्ड होता है। और पीछे से बंदा भगते हुए आता है, और सीधा आप यहाँ आते 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 यहाँ से जंप लेता है, ठीक है। और जंप लेता है, और फिर उसकी जंप लगती है, जितनी भी जंप हो जितनी पावर हो उसमें वो करता है फिर। तो भाई ये दिख रहे हैं पॉल, आप सोच रहे पॉल वॉल किस लिए बना रखे हैं, क्या बोलते हैं, डिस्कस के लिए और शॉर्ट पुट के लिए, और जो बड़े वाले एक वहाँ पर भी है वो होगा आपका हैमर के लिए होगा। वो दिख रहा है आपको सामने झंडे के उस साइड, वो होगा बड़े बड़े जो पॉल लग रखे हैं वो आपका हैमर के लिए। ओ भाई यहाँ मेट्रो भी निकल रही है भाई अपनी, स्कूल के बच्चे दौड़ रहे हैं यहाँ पर, स्कूल के बच्चे। तो भाई लोगों, अब हमारी हो गई है वार्म अप खत्म हो गया है, तो भाई मैं करूँगा अब जनरल एक्सरसाइज, उसके बाद करूँगा स्ट्रेचिंग, ठीक है। थक गया यार, वार्म अप में थक गया, वर्कआउट में क्या होगा। तो दोस्तों हम भी रनिंग स्टार्ट करते हैं, अब बहुत घूम लिए। भाई यहाँ का नज़ारा बहुत प्यारा होता है, क्योंकि यहाँ पर जिस एरिया में बन रखा है ना, ये वो आपका कॉलोनी है, उसके बाद आपका ये बन रखा है, बहुत प्यारा बन रखा है, इसका नक्शे बड़ा प्यारा है भाई। मेट्रो हो गई, एक चीज़ दिखा दो, बहुत प्यारा, वो क्या बोलते हैं बाद में बनता नहीं सीन, बहुत प्यारा बन रखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। लो भाई देखो कितना प्यारा बन रखा भाई साहब, ऐसे इतना आउटलाइन कर रखी हो भाई बादलों में, बहुत अच्छा नजारा है भाई। जूम करो ना, बहुत जूम करता हूँ। हमने कर दिया वार्म अप ख़त्म, साइड भी लगा ली, जनरल एक्सरसाइज भी हो गई, अब बचे स्ट्रेचिंग, तो स्ट्रेचिंग करेंगे भाई।
भाई तो अपना स्ट्रेचिंग भी हो गई है ख़त्म, और टाइम अभी हो रहा है आपका 8 बज रहे हैं भाई हैं, और टाइम ख़त्म हो गया है स्टेडियम का, जो टाइमिंग होती है क्लोज करने की वो ख़त्म हो गई है। तो अब हम निकलने वाले थोड़ी देर में, हो गया ब्लॉग ख़त्म, प्रैक्टिस भी ख़त्म और वर्कआउट भी ख़त्म। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में बताना भाई, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्यार करना बहुत भाई।